हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल और आप देख रहे हैं मेरा बंशीलाल पालीवाल नाम का यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने बात करते हैं इस गोडॉक्स फ्लैश के बारे में। इस गोडॉक्स फ्लैश को मैंने लगभग एक साल पहले ख़रीदा था। मैं इसका कोई अनबॉक्सिंग करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ्लैश को मैंने लगभग साल भर से यूज़ किया है। इससे मैंने कई फोटोग्राफ लिए हैं, रात्रि में लिए हैं, दिन में लिए हैं और थोड़ा लो लाइट कंडीशन में भी लिया है, छाया के अंदर भी लिया है, सब जगह पे मैंने इसके फ़ोटो लिए हैं। ये है गोडॉक्स TT685, निकोन के लिए बनी हुई फ्लैश है। गोडॉक्स TT685 पूरी तरह से TTL फ्लैश है और TTL का जैसा फुल फॉर्म होता है थ्रू द लेंस, तो ये अच्छा पैक है। और मैं इसको जल्दी से आपके सामने इसको खोल देता हूँ। इसके साथ में मुझे जो कुछ भी मिला था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका पैकिंग आया था अच्छा, और इसमें इसकी एक जो गाइड के लिए एक मेन्यू बुक होती है, हम इसको कैसे चलाएं, उसका पूरा इस पर खाका दिया हुआ है, तो मैं इसको इधर रख देता हूँ। और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन परचेज किया था। और एक ये जेल रहता है इसमें, कभी नहीं खाने वाला, बच्चों से दूर रखने वाला। और एक इस तरह का इसमें से ये फ्लैश निकलता है, आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे हाथ में है ये। और फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये फ्लैश इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। और इसमें और क्या है, ये केस अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा इसकी क्वालिटी है। और हमारी फ्लैश बिना किसी स्क्रैचेस के हम लोग इधर भी इधर उधर बैग में रखें तो इसके साथ रखते तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसको भी एक तरफ रख देता हूँ। और ये एक इसके साथ आता है, इसको आप कह लीजिए इसकी टांग है, इसको हम लोग यहाँ पे माउंट कर सकते हैं और हम कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। कभी ऑफ कैमरा अगर हमें शूटिंग करना हो तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं आपको इसका ये फ्रंट भाग दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। और ये इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड में इस जगह पर सेंसर लगे हुए हैं, सामने जो रोशनी होती है कितनी है क्या है वो यहीं से रीड करता है। और हम लोग इसको ब्रैकेटिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रिगर के साथ में इसको फायर करें, बिना ट्रिगर के भी ये फायर हो सकती है। फिर हम इसको चाहें तो ऐसा घुमा भी सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी तरह से इसको मैंने जैसा चाहें वैसा उस मोड में अपन कर सकते हैं। ये चारों तरफ घूम जाती है, वापस बैक आ गई है ये। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, कभी हम लोग पीछे अगर दीवार है और हम लोग कभी शूट करना चाहें वॉल से, तो वॉल पे हम लोग फ्लैश करके सब्जेक्ट को अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। लाइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। और इसके इसमें चार AA टाइप की बैटरी इसमें लगती है, ये इसका बैटरी का स्लॉट है, यहाँ पे चार बैटरी लगाई जाती है। तो मैं इसमें बैटरी लोड कर देता हूँ। ये है फर्स्ट में, माइनस प्लस माइनस प्लस, बैटरी डालने के बाद में बहुत अच्छा इसका सिस्टम दिया है इसको बंद करने का। और इस फ्लैश को मैं वापस नॉर्मल कंडीशन में ले ली है मैंने। अब यहाँ पर इसका पूरा सेटअप मेनू है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑन ऑफ का स्विच है इस जगह पर, मैं सोचता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑन ऑफ का स्विच है। इसमें से एक साउंड बजता है, आवाज़ आती है इसमें से, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्लैश जूम इन जूम आउट होती है। इसमें स्लेव भी हम लोग कर सकते हैं, लगभग सारे फंक्शन हैं। और सबसे बढ़िया बात जो है इस फ्लैश की वो ये है कि ये फ्लैश सिंक होती है हमारे कैमरे के साथ में, बहुत अच्छी फ्लैश है ये। और नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सामान्य फ्लैश जो यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास में एक ये पड़ी है, ये वाली फ्लैश, ये डिजिटेक की है, ये नॉर्मल फ्लैश है,
तो इसमें हम जब भी 200 तक हम शटर स्पीड ले सकते हैं, अगर 200 से हमने ज़्यादा कर दी तो फिर उसमें ब्लैकिश आ जाता है, हाफ साइड में पूरा काला काला आ जाता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हम लोग 1/8000 तक की शटर स्पीड रख करके हम आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं शटर कितना ही जाए। तो इसमें फ़ायदा ये है, अब जब रात्रि में फास्ट डांस कोई हो या मूविंग जो सब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग फास्ट शटर स्पीड से यानी ज़्यादा शटर स्पीड पे 4000, 2000, 200, 250, 300 तो इसको सिंक करना पड़ता है। सिंक करने के लिए हमें कैमरे, ये जो मेरे पास में अभी कैमरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। अभी मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर एक गोडॉक्स का ये लगा के रखा है, तो ये ट्रिगर लगा के रखा है। वैसे हम चाहें तो बिना ट्रिगर के भी इस फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे कैमरे में वो सिस्टम होता है उसको ब्रैकेटिंग करने का, तो हम लोग उसके साथ में ब्रैकेटिंग कर लेते हैं। इसमें सारे चैनल्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 32 में भी 32 तक चैनल्स हैं, तो आप जिस चैनल पर चाहें उसको इसके साथ में अटैचमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला करके मैंने एक साल तक इस फ्लैश को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इससे मैंने फ़ोटोग्राफी की और रिज़ल्ट इसका बिल्कुल अंधेरे में भी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, ये इसका एक यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ रहता है, ये सामने ये वाला, तो इसको हम जब लगा देते हैं तो थोड़ा सा लाइट अच्छी फैल जाती है, फैलाव में होती है, तो थोड़ा सब्जेक्ट हमारा ठीक एक्सपोज हो जाता है, डिफ्यूज़र जिसको बोल सकते हैं ये वाला। हम थोड़ा सा फ्लैश को थोड़ा इस टाइप का नीचे रख लेते हैं यूँ, और ये यहाँ पर लाइट जैसे ही निकलती तो यहाँ से टकरा के फिर सामने जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर जाती है, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप सीधा इस फ्लैश को आपके सब्जेक्ट पे, या आप शादी विवाह किसी प्रोग्राम में गए तो आप उसको सीधा उनके फेस पे डालो और उनका फ़ोटो लो, ये टेक्निक अच्छी नहीं है। ऑफ़ कैमरा भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कभी कभी बैक लाइटिंग पीछे से जो देते हैं तो उससे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग फ़िल्टर्स हम इस पर कलरफुल लगा सकते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने चैनल का सबसे बड़ा मोटिव यही रखा कि मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि इसमें अच्छाई क्या है या बुराई क्या है। तो ये फ्लैश मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसका एक अमेज़न लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। और मैं फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड सारे टॉपिक लेकर के आऊँगा हमेशा, और मैंने फ़ोटोग्राफी में भी जो मैंने जिया है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपको बताऊँगा। एक तकनीक अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, तो मैंने जो प्रैक्टिकली अनुभव जो किया है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। हाँ, अब एक सावधानी की बात ये है कि अगर आपके पास में निकॉन कैमरा है तो आप एन वाला खरीदें, जैसा देख रहे हैं आप TTN आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस जगह पे है ना, तो ये एन वाला लीजिए आप अगर आपके पास निकॉन कैमरा है। अगर आपके पास में कैनन का कैमरा है तो आप यही फ्लैश कैनन में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एन की जगह TT685, एन की जगह सी होगा, सी फॉर कैनन, तो वो आप ध्यान में रखें। सोनी के लिए एस होगा, सोनी, इट्स ए वेरी गुड फ्लैश, बहुत अच्छी फ्लैश है और सस्ती भी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना समय मुझे दिया, और इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।